गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दिया की दुनिया में। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि फिलहाल आप मेरा टीका देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि मेरा भाई जो है वो चले गया है गांव, और इसका जो मामा बद्दू ले गया था 50 बार दिखा चुका है, फिर से आप देख लो वरना ही मानेगा नहीं। तो इसका मामा जो है वो चले गया है। ऐसा नहीं करते बेटा, अभी मैं बात कर रही हूँ ना, नहीं करते, मत करो, नो, अब थोड़ी देर में प्लीज़। तो वो गए हैं और महेंद्र उनको छोड़ने के लिए गए हैं, जस्ट अभी निकला है। तो अभी तक मैं ब्लॉगिंग बहुत लेट हो गई करने में, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने खाना वाना भी सुबह ही बना दिया था 8 बजे करीब, और फिर वो खाना नाश्ता वास्ता किया उसने, अब वो चले गया है। और तो बस यही है, शाम को वो रहेगा हमारे हल्द्वानी चाची लोगों के वहाँ पे, फिर कल जाएगा वो घर। और फिलहाल यहाँ बर्तन वर्तन पड़े हैं, अभी वो धोए नहीं है, और सारी क्लीनिंग हो चुकी है घर की। तो अच्छा नहीं लगता यार जब भाई वगैरह कोई आता है और फिर जाता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में ना सुना सुनापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभी तो हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, बट अब वो जा रहा, ठीक है, अब उससे जाना तो है ही गाँव उसने, तो वो चले गया है। और फिलहाल बस यही है, और फिर जैसे ऐसा होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिलहाल तो मैं सारे बर्तन वर्तन क्लीन करती हूँ और किचन क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। बाहर आ रखे मस्त सी धूप, मम्मी बीन रही है मेथी, चिकू बैठा है वहाँ पे, चिकू इधर आओ, चिकू है यहाँ पे, धूप आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे दिन के 12 बज चुके हैं और मैं खाना बना रही हूँ। पापा और महेंद्र किसी काम से गए हुए हैं बाहर, और मम्मी बाहर सब्जी बीन रही है, चिकू बाहर घूम रहा है, और यहाँ पे चिकू ने भी नहा लिया था, मैंने उसको नहला दिया था आज। और तो यहाँ पे अभी मैंने राजमा रखे हुए हैं सीट लगाने के लिए, उसके बाद तड़का नहीं लगाया, तड़का लगाने के लिए मैंने सारा सामान प्रिपेयर कर लिया है, प्याज कर रखा है, हरा धनिया, लहसुन, और यहाँ पे काट रखा है टमाटर। इस बार मैं ग्राइंड करके नहीं कर रही हूँ, थोड़ा अलग टाइप अलग तरीके से बना रही हूँ, और टाइम में मिक्सी में पहले उसको सब कुछ पीस लेती थी, उसके बाद बनाते थे, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का बना रही हूँ मैं। तो बस यही है, अभी इसके बाद बनाऊंगी चावल। रोटियां पहले से पड़ी हुई हैं, अगर खाना चाहेंगे बाबा मम्मी तो खा सकते हैं, वरना आज सब चावल, और क्योंकि सब लोग की छुट्टी है तो मैंने सोचा आज कुछ राजमा चावल बनाया जाए, तो इसीलिए बस यही है। करती फिलहाल फटाफट काम वाम, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो चीकू के पापा चीकू के लिए इतने सारे कलर्स लेके आए, इतने बार कलर्स लेके आए, सारे फेंक देता है। ये ब्लैक कलर है बेटा, और इसमें ये कलर करेगा, चलो इसमें कलर करके दिखाओ, चलो ये लीव्स है ना, हाँ। इसमें कलर करके दिखाओ, इसमें चलो कलर करो, ओके। दिखाओ, हमेशा इसके पापा इतने सारे कलर लाते हैं इसके लिए, और हमेशा उनको सारा बर्बाद कर देता है। अभी भी लेके आए हैं, आज लेके आए हैं, कल तक ये मिलेगा नहीं देखना। और मैंने अब मेरे ना बहुत अंगूर खाने का मन कर रहा था, मेरे अंगूर लेके आए हैं। भाई कितने रुपये पाव हो रहे हैं? तो ये अंगूर जो है ये 60 रुपये के लाए हैं आधा किलो, मतलब कि 30 रुपये के पाव लेके आए हैं। तो इसलिए पिछली बार जब हम लेके आए थे ना अंगूर, तब वो 40 रुपये पाव थे, है ना माई, वो 40 रुपये पाव थे, थोड़ा 10 रुपये कम हो गया, पता नहीं कैसे। मेरा बहुत खाने का मन करता है इसीलिए, और चीकू के लिए काट रखा है मैंने एप्पल, उसको खिला रही हूँ एप्पल, क्योंकि फिर उसके बाद खाना खाने का टाइम हो जाएगा 1-1.5 घंटे के बाद, तो इसीलिए पहले एप्पल खिला देती हूँ। बस यही है, मिलते आपको थोड़ी देर बाद में। और हाँ, ये लेके आए हैं पापा के लिए, कीवी भी लेके आए, पापा को पता नहीं कीवी खाना था, कब से बोलते कीवी 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 कीवी, तो आज कीवी भी लेके आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बनाई है आज मेथी, और ये जो साबुत क्या बोलते हैं दाल होती है मूंग की, वो उसकी सब्जी बना रही है। अब बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भिगा चुकी हूँ रात कल मॉर्निंग के लिए चना और दाल, और यहाँ पे 2 अंजीर, अब इसमें डाल दूँगी 4 दाने बादाम के, और इसको अच्छे से भिगो लूँगी कल सुबह खाने के लिए, खाली पेट पहले इसको खाऊँगी, उसके बाद और चीज़ें काम होगा। थायराइड की दवाई के बाद मैं यही सब खाती हूँ, फिर और नाश्ता वगैरह। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10, और आज मैंने फेस पे लगाया है अपने कॉफ़ी और हनी मिला के, और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिलाया है, ऑप्शनल है, आप शहद और हनी भी, मतलब शहद और कॉफ़ी भी मिला सकते हो। तो ये मैंने मिलाया है, क्या तो ये मैंने मिलाया है,
तो बस ये मैंने बहुत टाइम से आजकल फेस पैक घर का यूज़ नहीं किया था, होम रेमेडी, तो आज मैंने यूज़ कर लिया है। तो अब मैं फटाफट फेस वॉश करूँगी, तो इस वाले ब्लॉग को भी यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जोड़ करना, बेल आइकन जोड़ करना, ताकि मेरी आने वाली ब्लॉग वीडियो आप लोगों के साथ रोज़ पहुँच सके। तब तक गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय कर दे, बाय करो, ये देखो।